आज महेश्वरी सेवा सदन भवन में आज वारी समाज का एक दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। तो किस प्रकार की तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है, थोड़ी जानकारी बताएं। कब होने वाला है ये? फरवरी में बसंत पंचमी के दिन संभावना पूरी है। समाज का सामूहिक होगा। देखिए, एक नई जन चेतना और एक नई उम्मीद देखी जा रही है। क्या देखा जा रहा है इस बार? समाज के जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको उठाने के लिए, और जो इस तरह से अलग से शादी नहीं कर सकते तो सम्मेलन में शामिल होकर उनका विवाह करें, तो उनको सहयोग समाज की तरफ से भी दिया जाएगा और समाज को विकास को अग्रसर करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। देखिए कि हमारे समाज के सभी युवा साथी सभी सेवा में लगे हुए हैं, और आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। कुमारी समाज की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है। निवेदन किया गया है कि हमारी समाज ने हमारे समाज का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इतिहास किरण भाई के संदर्भ में इतिहास कौन है। अतः संस्था के माध्यम से इतिहास का प्रकृत जनों से आशा करते हैं कि हमारे समाज में किरण भाई के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी है। जनों की संभावित स्थिति कल्याणपुर के पास में होकर काम में
और वो आदरणीय अन्य समाज का बड़वा है, उनका क्योंकि बड़वा बड़वा सब एक होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से पता लग सकता है कि भाई आपके वाले समाज का कौन बड़वा हो सकता है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि आपके बड़वा से या आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला हो, बुजुर्ग व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और वो अगर हमें हल्की सी जानकारी दे दे आपका बड़वा कौन है, तो निश्चित है आपके समाज का इतिहास हमें मालूम पड़ जाएगा। इतिहास के साथ हम कीरत भाई का न्याय कर सकते हैं और समाज में चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में जो कीरत जी की जो भावनाएं हैं वो जागृत हो सकती है। तो इसी रूप में मैं हम अभी जो हमारे बीच जो बुलाए जो कीरत जी भाई का सत्य बना चुके तो उनको हमने एक थोड़ा सा आइडिया दिया है हमारे इतिहास का जो पूजा में लगभग 30-35 साल की उनकी उम्र होगी और पहला हुआ उनका जो होगा वो उठने से हल्की सी नीचे धोती और उनकी उत्पत्ति को महाराज कुमार उदय सिंह जी को बचा के ले रहे थे। तो पीछे जो बैकग्राउंड में तो चित्तौड़ का किला हो, उनके साथ चार पाँच सैनिक हो, तो कुछ भी वीर है तलवार वगैरह वाली मुद्रा हो, एक उनका ऐसा हो तो दो बढ़ाने के लिए वो भी मान लिया है और उन्होंने चित्र बना के मैं मेरे संग्रह में रखूंगा और आपको उसका जो है पोस्टर बनवा के दूंगा। तो हमारे जो उनका चित्र की है क्या वो पोस्टर रूप में हो या पेंटिंग रूप में, और निश्चित है कि अगर वो अपने कलेक्शन में उनके लिए अगर कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग बनाए। तो मैंने अभी उनसे निवेदन किया है चाहे हमारे बीच में हो अलग रहेंगे। अब मैं मन आपको स्वागत समाप्त करता हूँ। आपको सारी जानकारी दे दी और इतिहास से संबंधित भी आपको जानकारी दी है और कृपा जी सोने के बाद मैं अखिल जी और चौबे साहब गए थे, हमने कहा साहब ये जो फोटो हमने कहा है तो डेट से होता है जिससे प्रतीक भी होता है कि नाना साहब को बचा मेरे साथ प्रतीक भी होता है। हमें पता सब चलते हुए किला हो चार जो खाली पड़े हो उनका बहुत बड़ा विजन बना, उन्होंने हर प्रकार के फोटो जैसे महाराणा प्रताप हो केंद्र है उनका महाराणा प्रताप का रिकॉर्ड है तो उनका इसलिए उन्होंने दिया उनकी कुछ हिसाब से वो मूर्ति तैयार हुई है। तो वैसे ही हम एक प्रतीक हम जल्दी ही आपके बीच में लाएंगे और आपका सहयोग रहा और सोसाइटी का सहयोग रहा युवा मुझ को हमारे साथ है खासतौर से सामाजिक हिस्सा को व्यस्त रहते तो इनका भी सहयोग हमको चाहिए क्योंकि कई ऐसी अटकलें हो जाती है तो वहाँ पे इनको हमें यदि ये आए हैं लेकिन हमको उनसे राय लेने प्रत्येक ने इसका क्या कर तो ऐसी स्थिति अभी नहीं रही है मिला लो फिर इनको निशाना जी से ज्ञान बड़े को हम काम कर रहा था मैंने इसलिए कि प्रोग्राम का सेट करना था आपका 10:30 बजे फोन आएगा तो प्रोग्राम बनती रहेगा आपके सब जगह का एक्शन प्लान हो रहे काम कर रहे हैं हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्था संभाल रहा है। मेरे का आपको सुधा आना जरूरी क्यों हमने इतना स्थान को बनाया और ये प्रथम बार ऐसा इस प्रकार के कार्यक्रम है जिसमें हम जानते हैं पार्टनर को तो सबको बुलाया जाता है कहीं इतिहास के जानकार लोगों को और हमारे लिए जो काम कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं इस प्रकार के व्यक्ति को अपने आमंत्रित किया से। अब आपके बीच में प्रमुख रूप से हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं और आप समझे आपके समाज के मुख्य संरक्षक जनरल एन के सिंह साहब हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से हमारे लोगों को